ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाए जाने के बाद से भारत समेत दुनिया भर के कई देश अलर्ट मोड पर हैं। इसी बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन को भारत में सफलतापूर्वक कल्चर किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। नए स्ट्रेन पर भारत की बड़ी कामयाबी। भारत ने ब्रिटेन के स्ट्रेन को किया आइसोलेट। 70% ज्यादा संक्रामक नया स्ट्रेन। ICMR ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। ICMR ने बताया कोरोना वायरस के UK म्यूटेंट को आइसोलेट कर लिया गया है। म्यूटेंट को आइसोलेट करने से इस पर वैक्सीन के असर की जांच की जा सकेगी, साथ ही वायरस का संभावित इलाज खोजने में भी मदद मिल सकती है। UK में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन का यूरोप और अफ्रीका के देशों के साथ भारत में भी असर दिखाई दिया है। अभी तक देश में नए स्ट्रेन से संक्रमित 29 लोग सामने आ चुके हैं। इन सभी मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। ICMR ने बताया कि कोरोना महामारी फैलने की शुरुआत से ही देश भर में फैली लैब के जरिए कोरोना वायरस को ट्रैक किया जा रहा है। इससे वायरस में हुए बदलाव को समझने में मदद मिली। भारत कोरोना के नए रूप को आइसोलेट करने में कामयाब रहा है। कोरोना वायरस के नए प्रकार का भारत ने सफलतापूर्वक कल्चर किया। कल्चर का मतलब कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाना होता है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन के इलाज में आसानी होगी। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। ICMR ने ट्वीट कर दावा किया कि SARS-CoV-2 के इस नए स्ट्रेन से भारत में अब तक कुल 29 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि है। ब्रिटेन में मिले दो नए वेरिएंट भारत, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर और नाइजीरिया में सामने आ चुके हैं। उधर दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है। ये ब्रिटेन वाले नए स्ट्रेन से अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र TV। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।